नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 News। लोकसभा चुनाव के बीच तनातनी का दौर जारी है। जी हां, आपको बता दें, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है, क्योंकि जहां बात करें बीजेपी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की या फिर RJD की, तो कहीं ना कहीं पूरे लोकसभा चुनाव में बस यही तीन पार्टियां सबसे ज्यादा देखने को मिल रही हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव पर लगातार बीजेपी नेता जो है वो हमला साधते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात कर ले चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान ने भी तमाम बयान दे दिए तेजस्वी यादव। तो वहीं अगर बात करें सम्राट चौधरी की, तो कहीं ना कहीं वो भी तेजस्वी यादव और पूरे लालू परिवार पर बयान देते नजर आए हैं। उन्होंने साफ ये कह दिया है कि तेजस्वी यादव लगातार अब ऐसे बयान दे रहे हैं जिनका ना तो सिर है और ना ही पैर। वहीं अगर बात कर ले शाहनवाज हुसैन की, तो वो भी लगातार अब लालू परिवार को घेरते नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये कह दिया कि तेजस्वी यादव अपने ही पिता को गाली दे रहे हैं, वो बार बार हर बात में माई बाप कहने लगते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी जो राजनीति है वो लगातार तेजस्वी यादव के चारों ओर उनके इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि लालू परिवार की दोनों बेटियां यानी कि रोहिणी आचार्य और मीसा भारती चुनावी मैदान में उतरी हुई है। मीसा भारती पाटलिपुत्र से मैदान में उतरी है, तो वही रोहिणी आचार्य सारण से मैदान में उतरी है। रोहिणी आचार्य के लिए तो कहीं ना कहीं एक बुरी खबर सामने ये भी आ रही है कि उनका जो नामांकन है वो शायद निरस्त हो सकता है, क्योंकि बीजेपी लगातार इसके लिए याचिकाएं दायर कर रहा है कोर्ट में। ऐसे में सवाल खड़े हो जाते हैं कि जिस प्रकार से बीजेपी आरोप लगा रहा है कि रोहिणी आचार्य जो यहाँ की नागरिक ही नहीं है, उनको यहाँ का नामांकन पत्र कैसे मिल गया और वो कैसे लोकसभा चुनाव में उतर गई, तो जिसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी जो पार्टी है वो लालू परिवार को घेर रही है, कांग्रेस को घेर रही है। अगर इसी दौर में कांग्रेस को लेकर भी बात की जाए, तो कांग्रेस ने बिहार में जनसभाएं नहीं की हैं। उन्होंने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की जिसमें बड़े बड़े नेता शामिल हैं, लेकिन उन बड़े नेताओं में से कोई भी बिहार जाता नहीं दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी अब तेजस्वी यादव पर ही बिहार को लेकर डिपेंड हो चुके हैं, और देखना होगा कि क्या तेजस्वी यादव राहुल गांधी को बिहार से जीत हासिल करा पाएंगे या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए SPN 9 News।